अभी वो वॉशिंग मशीन फिर से खराब हो गई है। नाउ दिस टाइम आई डोंट नीड टू टेल यू कि उसका वक्त खत्म हो गया है। प्लीज लेट्स गेट अ न्यू वॉशिंग मशीन। अभी एक हफ्ते पहले तो रिपेयर कराई थी, राजू की वारंटी होगी ना रिपेयर की। पिछले 3 महीनों में 3 बार रिपेयर करवा चुकी हूँ और वो राजू जब भी आता है ना मुझे जज करके जाता है। ये मशीन फेंक दो भंगार में, भैया काम ठीक ठाक चल रहा है ना। अगली बार आए ना तो मुझे बुलाना, अपना काम करे चलता बने। और उसकी हिम्मत कैसे हुई इस पे उंगली उठाने की? हाँ अरे माँ रिलैक्स। मम्मी अब ना इस मशीन को ठीक नहीं करा सकते, उसका दुख रोज उसकी मोटर से आंसू बनकर निकलता है। तो फिर मशीन क्यों, मैकेनिक बदल दो ना, सरल उपाय है। मशीन नहीं बदली ना तो बेबी को बदलना पड़ेगा, पिछले हफ्ते वार्निंग दे चुकी है मुझे। सबसे पहले तो उसी को बदल डालो, बहुत ही दुष्ट औरत है वो। अच्छा सुनो, मैंने चेक किया, दिवाली डिस्काउंट अभी भी चल रहे हैं। नो कॉस्ट EMI पर हमें फुल्ली लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल रहा है विद ड्रायर। मॉनसून में कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेट्स गो ना। ठीक है शाम को चलते हैं, नई वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। ओके। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी अभिमन्यु, मैंने क्या तुझे बचपन से यही सिखाया फिजूल खर्ची? पर मम्मी ये कोई फिजूल खर्ची थोड़ी ना, ये तो रोजमर्रा की चीज है ना। रोजमर्रे के काम के लिए ऊपर वाले ने 2 हाथ तो दिए है ना। अरे ये मौसी ने तुम्हारी शादी में गिफ्ट किया था, मैंने तभी उसे कहा था सुमन मत दे ये वॉशिंग मशीन, आदतें बिगड़ जाएगी। हाँ पर बात तो सहूलियत की है ना मम्मी। बात आलस की है। आउच! और जब तुम्हें आलस की आदत पड़ ही चुकी है तो फिर इसी को ही चलाओ ना ठीक करा कर, क्यों बेकार में पैसे खर्च करना है। ठीक है अब तुम ही डिसाइड करो क्या करना है। ठीक है अगर माँ कह रही है तो एक बार और ठीक करा कर देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, राजू को चेंज कर देते हैं। ओके अगर तुम्हें लगता है कि यही बेस्ट सोल्यूशन है तो फिर यही करते हैं। बेबी को तुम्हें बताना। ओके कमाल है, उससे डरते क्यों हो इतना? वो तुम्हें तनख्वाह देती है या तुम उसे तनख्वाह देते हो? जब से माँ आई है ना तब से तुम हमेशा किचन में रहती हो या खाना बनाती रहती हो। बहुत हो गया, बहुत हो गया अत्याचार। बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। नहीं 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 आज नहीं, आज मैंने कढ़ाई पनीर की सारी तैयारी कर ली है। मेरा मैंने मन बना लिया है। अरे क्या मन बना लिया था, मुझे गोवा ले जाने का। नहीं मम्मी, गोवा की मछली को या मुंबई में खाने का? मछली। मेरा पनीर खाने का मन नहीं है माँ। पनीर? पनीर पर ऐसा रिएक्शन क्यों मम्मी? अरे गुरुजी कहते हैं जैसा आहार वैसे ही आपके मन पे प्रहार। अब दुख भरा खाना खाओगे तो अपने अंदर दुख जमा करते जाओगे। कौन सा दुख माँ, और या कौन से गुरुजी की बात कर रही हो? अरे भाई यूट्यूब वाले गुरुजी, कल ही इस बात पर उन्होंने एक वीडियो निकाला है, फॉरवर्ड तो किया था मैंने, तुम लोग देखते नहीं हो क्या? नहीं माँ ऑफ कोर्स देखते हैं, देखते हैं। अच्छा बताओ गुरुजी ने क्या कहा? हाँ मीरा बताओ गुरुजी ने क्या कहा। अरे तुम ही बताओ ना क्या कहा गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, दुख से भर जाएगी। करेक्ट, इसलिए पनीर। और मीरा बेटा तुम जो ये पनीर को इतना निर्दोष मानती हो ना, ये भी बहुत दुख से भरा हुआ है, मछली के दुख से। अच्छा बताओ गाय के दूध पे किसका हक होता है? बछड़े का ना, तो अगर बछड़े के हक का दूध का पनीर तुम खाओगे तो क्या तुम खुश रह पाओगे? जी मम्मी, I mean नहीं मम्मी। माँ मैं समझ गया, आई थिंक आपके गुरु जी ना वीगन है, वीगनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई वो सब मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना पता है आज लंच में बढ़िया आलू बनेंगे। आलू में क्या बढ़िया होता है, आलू तो आलू होता है। अरे भाई बढ़िया बढ़िया, मैं सुखा कर लाई हूँ अलवर से, बचपन में तुझे याद नहीं तू कितने चाव से खाता था, भूल गया? माँ इतना बड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने से पहले गुरुजी से कमेंट्स में पूछ तो लीजिए। क्या आलू को मिट्टी से अलग होने का दुख नहीं होता होगा? क्या बड़ियों को नंगे बदन सूरज की गर्मी में तपने का दर्द नहीं होता होगा? माँ जब तक गुरुजी जवाब देते हैं ना, लेट्स हैव सी फूड। नो पनीर प्लीज। सी फूड पनीर, सी फूड पनीर, सी फूड पनीर। अच्छा एक मिनट माँ आप ही बताइए क्या मन है आपका? अरे भाई मेरा तो उपवास है मीरा, जब अभिमन्यु की इतनी इच्छा है तो मंगवा लो ना सी फूड। यस थैंक यू माँ, इट्स डिसाइडेड, आई एम कॉलिंग फॉर सी फूड। अभिमन्यु का मन। मैं गोली नहीं खाऊंगी, ओनली नेचुरोपैथी। वो मैंने तुम्हें कहा ना हरड़ और सौंफ को पानी में उबाल कर दे दो मुझे,
वो ले लूंगी ना तो आई फील मच बेटर। मीरा आई नो कि तुम छोटी मोटी बीमारियों में टैबलेट्स नहीं लेती हो, लेकिन आज तकलीफ कुछ ज्यादा है, इसलिए एक्सेप्शन मान के टैबलेट ले लो ना। क्या हुआ बेटा, कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या? हाँ मम्मी, अच्छा हुआ आप आ गए। प्लीज अभी को समझाओ कि हरड़ और सौंफ के पानी से सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होती है, बट इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो टैबलेट लेनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं लोगी तो रात भर मैं सो नहीं पाऊंगा। आई मीन तुम नहीं सो पाओगी। भले रात भर ना सो पाऊ पर ये टैबलेट नहीं खाऊंगी। आई डोंट वॉन्ट टू पुट दीज केमिकल्स इन साइड माई बॉडी। और मैंने जो कहा करूँ तुम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। अरे क्या क्या कर रही हूँ मीरा, तुम बस आराम से लेते रहो, हाँ प्लीज। माँ आप टेंशन मत लीजिए, आराम से जाकर सो जाइए, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे बेटा मैं तो सुबह भी सो सकती हूँ, लेकिन तू अगर रात भर नहीं सो पाया तो दिन भर काम कैसे करेगा? तू एक काम कर, तू जा और वो हड़द और सौंफ का पानी ले आ। ये ले बेटा, मीरा ये ले, शाबाश, आजा अच्छे से ये आपने मुझे क्या दिया है? बेटा गोली। अगर तुमने अभिमन्यु की बात मानी होती तो इस तरह मछली की तरह नहीं तड़पती। ये लो तुम्हारा हरड़ और सौंफ का पानी। क्या हुआ? मुझे दवाई नहीं खानी थी अभी, मुझे ये पीना था। कोई बात नहीं ना, अब ये भी पी लो, इसका भी तो फायदा होगा और गोली अपना काम करेगी, है ना? चलो सो जाओ। हाँ गुड नाइट बेटा, तू भी सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो। मीरा, आज तुम कोई काम नहीं करोगी, सारा काम मैं करूंगा, यू जस्ट रेस्ट, ओके? नहीं नहीं नहीं, मम्मी के इस घर में होते हुए आई कांट टेक दैट रिस्क। अरे रिलैक्स मीरा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ये बताओ कैसा लग रहा है? वेल, लाइक एन आउटसाइडर। मतलब? मतलब ये कि तुम और मम्मी घर वाले और मैं बाहर वाले। मैं समझ गया, तुम्हारा मन खराब हो रहा है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, अरे तुम दोनों के मन के आगे मेरे मन की क्या औकात है? ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात को मॉम ने मुझे दवाई दी क्योंकि तुम मुझे दवाई खिलाना चाहते थे। यार मेरी ओपिनियन मैटर ही नहीं करती क्या? और सिर्फ यही नहीं, चाहे कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी सिचुएशन हो जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो तुम्हारी साइड लेती है, तुम उनकी साइड लेते हो और फिर तुम दोनों एक हो जाते हो। और उस वक्त मैं चाहे कुछ भी कहूँ, इट डजंट मैटर, बिकॉज तुम लोग मेजॉरिटी हो जाते हो एंड देन ऑब्वियसली मेजॉरिटी विंस। बाप रे बाप, इतना सब कुछ अपने दिमाग में घुसा रखा है तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं है मीरा, इट्स जस्ट अ सिंपल फैक्ट, वी आर द सेम ब्लड, इसलिए हमारी ओपिनियंस ऑब्वियसली मैच करेंगे ना। यार मैं उनकी परवरिश में पला बड़ा हूँ, बचपन से उनके साथ रह रहा हूँ, तो ये तो लाजमी है ना कि उनकी सोच मेरी तरह और मेरी सोच उनकी तरह होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वही करती है जो तुम करना चाहते हो या फिर तुम कहना चाहते हो। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। Do you actually believe in this? Oh yeah, I can prove it too. मामी, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बहुत अच्छी लग रही हो, गुड़िया जैसी लग रही हो। थैंक यू। हाँ जा रहे हो? हम काला घोड़ा जा रहे हैं। हाँ। अरे माँ मैंने तो कहा इससे कि कहाँ बाहर जाएंगे, फंस जाएंगे। आज लग रहा है कि बहुत जोर से बारिश होगी, लेकिन ये सुनती नहीं मेरी। तेज धूप निकली हुई है, कहाँ बारिश, और बारिश का मौसम गया। और मैंने ऑनलाइन वेदर भी चेक किया है, देयर इज 0% चांस ऑफ बारिश। ऑनलाइन वेदर रिपोर्ट पे बिलीव करती हो तुम? हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते हो वो लोग। साफ साफ कहो ना कि तुम्हारा जाने का मन नहीं है, लंबी ड्राइव या फिर पार्किंग की प्रॉब्लम होगी, इसलिए सारे बहाने पता है मुझे तुम्हारे। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम टैक्सी ले लेते हैं या फिर ट्रेन में चले जाते हैं, जल्दी से पहुंच जाएंगे। अरे कैसे भी जाएंगे, अगर बारिश होगी तो फंस ही जाएंगे ना, उल्टा ट्रेन और कैब में तो और ज्यादा डिफिकल्टी होगी। अच्छा माँ आप ही बताइए, आपको क्या लगता है आज बारिश होगी या नहीं?
देख के लग तो नहीं रहा है कि आज बारिश होगी, लेकिन फिर मौसम का क्या ठिकाना, मौसम बदलते हुए देर तो नहीं लगती है। वैसे भी वो कहावत है ना, बेमौसम की बरसात। भैया देखो ये कहावतें बनी है तो कुछ तो मतलब होगा ना इनका। और मीरा तुम्हें पता है हमारे कॉलोनी के लोग अलवर में सब अभिमन्यु से पूछा करते थे कि भैया बताओ आज बारिश होगी कि नहीं, धूप निकलेगी कि नहीं, बर्फ पड़ेगी कि नहीं। अलवर में बर्फ? हाँ हाँ पड़ी थी ना एक बार, पड़ी थी ना अलवर में बर्फ बहुत साल पहले, तब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। ओके, अब जब इतनी बारिश होने वाली है तो फिर क्या करेंगे जाके? ठीक है अगले हफ्ते चले जाएंगे। ओके तब तक तो बारिश चली जाएगी ना? या आई थिंक सो। ओके फिर मैं चेंज करके आती हूँ। ओके बचा लिया ना तुझे, तुझे जाने का मन नहीं था ना, वैसे भी जाकर क्या करेगा, काला घोड़ा पीला घोड़ा, टाइम वेस्ट, पैसे बर्बाद और पेट खराब होगा वो अलग। एप्पल चाहिए? मतलब तुम इतने मल्टी टैलेंटेड हो ये तो मुझे पता ही नहीं था। आई मीन इनबिल्ट वेदर फोरकास्ट मीटर के साथ पैदा हुए हो? मुझे भी नहीं पता था यार, मुझे भी अभी पता चला। ओ तो मतलब ये पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत थी? हाँ पूरी की पूरी, एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात है मीरा, मेरी माँ की कहानी चाहे झूठी हो पर प्यार एकदम सच्चा है। एक बात की तो तुम्हें दाद देनी पड़ेगी कि हाउ मच माई मदर लव्स मी एंड हाउ मच आई लव यू। व्हाट रियली? बेटा लगता है बारिश होने वाली है। माई मॉम इज ऑलवेज राइट। हाँ माँ। हाय गाइस। सुना अभिमन्यु के यहाँ बैठने देना, तू उधर जा, माँ बेटे साथ बैठेंगे। माँ रिलैक्स, अभी आप कैरेक्टर से बाहर आ चुके हैं, अभी हम लोग नॉर्मल हैं, मतलब मैं प्राचीन हूँ। हाँ नॉर्मल। ओके ओके, तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू लाइक्ड इट देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। यस एंड वी विल सी यू वेरी सून विद अनदर अमेजिंग एपिसोड। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लव एंड पीस, बाय बाय।